सेकंड में वो आपकी गर्दन तोड़ देगा। फिर भी मैं मिलूंगा उससे जरूर। पहले हमने उसे दो अपराधियों के साथ एक ही सेल में रखा, लेकिन उनमें से एक पर उसने अटैक कर दिया। अगर हम वक्त पर ना पहुंचते तो वो तो उसे मार डालता। इसलिए उस घटना के बाद हमने उसे अलग सेल में रखा। आई यशवंत, तुमसे कोई मिलना चाहता है। मैंने कहा था ना, मैं किसी पंडित पंडित से नहीं मिलना चाहता। ये पंडित पंडित नहीं है यशवंत, ये डॉक्टर गोयल हैं। ये तुमसे बात करना चाहते हैं। मुझसे हाथ नहीं मिलाओगे डॉक्टर? डरते हो? हाथ मिलाने से डरते हो तो बात क्या करोगे मुझसे? बकवास बंद करो यशवंत। तुझे क्या लगता है मैं बकवास कर रहा हूं? तुझे तो मैं बाद में बताऊंगा। तुमने मुझे फांसा था ना, कभी नहीं भूलूंगा इसे, कभी नहीं। तुम्हारी जिंदगी के सिर्फ दो दिन बाकी, और जहां तुम जा रहे हो वहां कभी किसी को नहीं मार सकते हो। तुम्हारे जैसे आदमी के लिए तो मर जाना ही अच्छा है। मैं सच कहता हूं, तुझे तेरे किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं वापस आऊंगा। तुझे क्या चाहिए डॉक्टर? मुझे कुछ नहीं चाहिए, न ही मैं कोई मंत्र पढ़ने आया हूं। यशवंत, ये तो तुम जानते ही हो कि 7 लोगों की हत्या तुम्हारे सर पे है और अब तुम खुद एक भयानक मौत मरने वाले हो। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं डॉक्टर। सवाल अफसोस का नहीं है यशवंत, मैं तो तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुमने जिंदगी में इतने पाप किए हैं कि उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। बहरहाल उन्हें कम जरूर किया जा सकता है। मतलब ये कि मरते मरते कोई अच्छा काम कर जाओ, जैसे तुम्हारा ये शरीर दान कर दो हमारे हॉस्पिटल को, ताकि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी किडनी, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा दिल किसी और के काम आ सके, किसी और का जीवन बना सके। भैया, शरीर दान से बेहतर कोई दान नहीं है, कर दो ये दान। मेरा मतलब मैं किसी की जान डालूं? जिंदगी तो हाँ, इस दुनिया मेरा कोई नहीं है डॉक्टर जिसे मरने के बाद मेरी लाश की जरूरत हो। जो चाहिए ले ले, ले ले डॉक्टर। रियली? तो यशवंत, यहाँ यहाँ साइन कर दो, ये दो यहाँ। मेरी प्यास अभी बुझी नहीं है। ऐसे ले लो ना। मौत भी मुझे बदला लेने से नहीं रोक सकती। मौत भी, वापस आऊंगा मैं, वापस आऊंगा। ब्यूटीफुल, जस्ट ब्यूटीफुल। यहाँ का वातावरण कितना खूबसूरत, कितना शांत है। शहर से एकदम डिफरेंट। हम जब भी इस फार्म हाउस पे आते हैं, सच मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। सुशील, तुम्हारी पिछली 2 एग्जीबिशंस की प्रेशर के बाद तुम्हें रिलैक्स होने की बहुत जरूरत थी। सच कहूं तो मेरी तो यहां से वापस जाने की इच्छा ही नहीं होती। ठीक है, मैं एक स्कल्प्टर हूं, स्कल्प्चर मूर्तियों से मुझे प्यार है। बेजान पत्थरों को तराश के उन्हें अनमोल मूर्तियां बनाने में, उनमें जान डालने में मुझे बहुत सुकून मिलता है। पर यहां आने के बाद ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बस यहीं रह जाऊं। सुशील, तुम चाहो तो भी लोग तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। इस खुली जगह में तुम्हें इसलिए अच्छा लग रहा है कि शहर में लगातार कई दिनों के काम के बाद तुम यहाँ रिलैक्स फील कर रहे हो। सही कहा तुमने, ये खुली जगह, ये ताजी हवा, ये ग्रीनरी, पेड़ पौधे, ये सब शहर में आजकल देखने को नहीं मिलते। यहाँ दिमाग को बहुत सुकून मिलता है। सचमुच बात तो सही है, लेकिन अब चलो, भी लंच तैयार है। लेट्स गो। जस्ट अ मिनट, ये
यह आवाज कैसी है? हाँ, शायद सुनाई दे रही है ना तुम्हें? हाँ हाँ, ये भाई साहब हाँ, ये आवाज कैसी है? कैसी आवाज? नहीं, वो सुनिए। आप उस आवाज की बात कर रहे हैं जी? अरे हम लोगों को तो आदत हो गई है इस आवाज की, अब हमारा ध्यान भी नहीं जाता। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जरूर, चलिए। वाओ, ये क्या है? ये थ्रेशिंग मशीन है। थ्रेशिंग मशीन मतलब? गाय को जो चारा दिया जाता है वो चारा इस मशीन में काटा जाता है। अच्छा, हाँ। एक बार तो भाई हम भी ट्राई करेंगे। अरे नहीं नहीं साहब, ये मशीन बहुत खतरनाक है, आपका ध्यान जरा भी हटा तो हाथ कट जाएगा। अरे नहीं नहीं, हम पूरे ध्यान से करेंगे। अरे नहीं नहीं साहब सुनिए तो साहब, पहले ये मशीन तीन हाथों को खा चुकी है। पिछले सीजन में मेरा भाई विठल आया था, उसका ध्यान जरा सा चुका और घास के साथ उसका हाथ भी कट गया। अरे भाई घबराइए मत, हम पूरे ध्यान से करेंगे। पर देखिए बस थोड़ा सा तो नहीं, तुम ऐसा रिस्क मत लो, तुम्हारे हाथ बहुत कीमती है। Come on, darling, don't worry, कुछ नहीं होगा मुझे। जैसी बाबा हटिए, आप हमें करने दीजिए जरा। ये साहब संभल के, कितना आराम से हो रहा है। देखा भाई, खेती बाड़ी तो मेरे खून में है। मेरे दादाजी की 200 एकड़ जमीन थी यूपी में। कितना आसान है, आराम से हो रहा है। साहब संभल के। हाँ, डोंट वरी, एक बार और करेंगे भाई। तो क्या करें हो ये? स्मिता, डोंट वरी डार्लिंग, लेट मी एंजॉय द हॉलीडेज, कम ऑन संभल के साहब। ये लवली। देखो कितनी आसानी से हो रहा है, ये तो मेरे भाई हाथ का खेल है भाई। सुशील बस करो। Yeah, that's it. No! उनका बहना रोक लिया गया, लेकिन उनके हाथों को दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन डॉक्टर, ये एक मूर्तिकार है, मूर्तियां इनकी जिंदगी है, इन्हें हाथों की बहुत जरूरत है। हर एक आदमी हाथों के बगैर कैसे जी सकता है डॉक्टर साहब? आप खुद ही देख लीजिए, हाथों की हड्डियां बुरी तरह टूट चुकी हैं, टिश्यूज बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और नसें बुरी तरह डैमेज है। I'm sorry, लेकिन ये हाथ बिल्कुल यूज़लेस है। Oh my God! इन्हें वापस लगाया नहीं जा सकता। कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, कुछ कीजिए। आखिर साइंस किस लिए है? कुछ तो कीजिए प्लीज। दोनों बाजू में सीधा कट लगा है और उससे अभी भी काम कर रही है, लेकिन क्या डॉक्टर मोहन, क्या ऐसा पहले कभी हुआ नहीं, पर अच्छा सब्जेक्ट इसमें जरूर कुछ कर सकता है। मैं डॉक्टर गोयल को बुलाता हूँ, इस केस में यदि कोई कुछ कर सकता है तो वो सिर्फ डॉक्टर गोयल ही है। दोनों बाजुओं की नसें अभी भी रेस्पॉन्ड कर रही हैं, इसका मतलब वो पूरी तरह डैमेज नहीं हुई है। मैं यही सोच रहा हूँ। यानी उम्मीद की जा सकती है। क्या डॉक्टर साहब आप क्या कह रहे हैं? मैडम, मैं जो कहने जा रहा हूँ वैसा अभी तक किया नहीं गया है और उसके सफल होने के चांसेस भी बहुत कम है, क्योंकि ऐसे केसेस में कई बार बॉडी नेगेटिव रिस्पॉन्स देती है, यानी जो हिस्सा शरीर में लगाया जाता है शरीर उसे अस्वीकार कर देता है, यानी रिजेक्ट कर सकता है। मैं कुछ समझी नहीं डॉक्टर साहब,
मैं तुम्हारे पति को दूसरे हाथ लगाने वाला हूं। क्या दूसरे हाथ? यानी किसी दूसरे आदमी के हाथ? हाँ, ये हाथ हम किसी ऐसे आदमी के शरीर से हासिल कर सकते हैं जिसकी हाल ही में मौत हुई हो। मैडम, ये तो शायद आप जानती होंगी कि मरने के 6 घंटे के अंदर अंदर शरीर के कुछ हिस्सों को, जैसे दिल, आंखें, किडनी, इनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, हाथ? हाँ, हाथ। ये हाथ में किसी मरे हुए शरीर से काटकर तुम्हारे पति के शरीर में लगाऊंगा। डॉक्टर साहब, ऐसा शरीर हमें मिलेगा कहाँ? मैं जानता हूं कहां मिलेगा। यशवंत की बॉडी आ गई जेल से? यस सर, घंटा भर पहले ही जेल से आई है। मैंने उसे वहां रखा है। दिखाओ। आइए सर। परफेक्ट। फौरन इस बॉडी को ऑपरेशन थिएटर नंबर 2 में ले आओ ट्रांसप्लांट के लिए। उसके बाद हमने इमरजेंसी ऑपरेशन जो कर डाला, इस किस्म का ऑपरेशन इसके पहले नहीं हुआ है। मैंने आपको नए हाथ लगा दिए हैं। देखिए ना आप इलाके, कैसा लग रहा है आपको? परफेक्ट ऑपरेशन। नए हाथ? किसी दूसरे के हाथ आपके शरीर पे हमने ट्रांसप्लांट कर दिए हैं। ब्यूटीफुल। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। बिल्कुल मेरे हाथों की तरह। कितनी पतली पतली उंगलियां हैं, खूबसूरत, आर्टिस्टिक। डॉक्टर वार्ड में भी कोई आर्टिस्ट था क्या? जाने दीजिए ना, इसके बारे में फिर कभी बात कर लेंगे। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है डॉक्टर। अजीब सा लग रहा है। पता नहीं क्यों अचानक मेरा हाथ सिगरेट ढूंढ रहा था। सिगरेट लिया? लीजिए। हाँ, क्या हुआ? ये तो कभी सिगरेट पीते ही नहीं है। अरे अभी तो पी। Very strange. I don't know. मैं नहीं जानता डॉक्टर। ना चाहते हुए भी पता नहीं मेरा हाथ सिगरेट की तरफ कैसे बढ़ गया। देखिए, ऑपरेशन के समय आपको एनेस्थेसिया दिया गया था ना, शायद उसका कुछ असर अभी तक बाकी है। डॉक्टर, अब मैं जल्दी घर वापस जा सकूंगा ना? Yes, why not? मैंने घुमाई है भाई। क्यों, क्या हुआ? लेकिन तुमको तो गाड़ी चलानी आती नहीं है, कैसे चला ली? हाँ, लेकिन बहुत आसानी से चला ली मैंने। नहीं, मैंने नहीं, मतलब इन हाथों ने। ये तुम क्या कर रहे हो सुशील? पता नहीं, स्मिता, शायद नर्वसनेस है। ठीक है, चलो बैठो, घर चलते।
अंदर चलो। हाँ लेकिन इतना अंधेरा क्यों है? चलो भी। सुशील, तुम्हारे ऑपरेशन के सफल होने की और तुम्हारे सही सलामत घर लौटने की खुशी में हमने एक छोटी सी पार्टी अरेंज की है। ये जरा देखिए तो कौन कौन आया है। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे फैंस, कुछ प्रेस रिपोर्टर्स और तुम्हारा वो राइवल शांतनु भी। ये सब तुम्हारे ठीक हो जाने की खुशी में यहाँ इकट्ठे हुए। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज एंजॉय कीजिए। माफ कीजिएगा सर, मैं आपसे तकलीफ दे रही हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप इतना मुझे ऑटोग्राफ दे देंगे। हाँ जरूर, क्यों नहीं, जरा मेहमानों का ख्याल रखो। थैंक यू सो मच। लगता है आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मजाक? जी सर, ये आपके सिग्नेचर नहीं है। लश। I'm sorry, मैं फिर से साइन कर देता हूँ। लाइए। सुशील, ये क्या? मैं सुशील क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ? Thank you so much. कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये यश कौन है? हेलो सुशील जी। हेलो। लोक टाइम से मैं नीरज। एक्सक्यूज मी सर, मैंने तो सुना था कि आप शराब नहीं पीते। जी। क्योंकि इससे हाथ कांपने लगते हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने। फिर ये आपके हाथ में क्या है? नहीं, मैंने ये नहीं लिया था। नो नो सॉरी। सुशील जी, आपको शराब पीना है पीजिए, लेकिन छुपाइए मत, आराम से पीजिए। लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रोल करना चाहिए। हाँ नो। सुशील क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं स्मिता, मैं कुछ ठीक फील नहीं कर रहा हूँ। ठीक है नहीं ठीक हूँ सर। ये सभी लोग आपको मूर्ति बनाते हुए देखना चाहते हैं। पूरा इंतजाम हो चुका है, पत्थर, औजार वगैरह आपके हाथ तैयार हैं सर? हाँ जरूर। प्लीज। हाँ। प्लीज सुशील, आप मुझे अपनी मॉडल बना लीजिए, ऐसा मौका मुझे फिर नहीं मिलेगा। रियली? तो ठीक है, आप यहीं खड़ी रहिए, वही लेगा। नहीं मुस्कुराहट लाइए चेहरे पर। देखिए इन्होंने आपकी खूबसूरती को क्या रूप दिया है। ये किसका सर बना रही है?
था सुशील तुमने? मैं नहीं जानता स्मिता, सच मैं नहीं जानता। क्या बात है सुशील, लगता है तुम्हारे हाथों का जादू खत्म हो चुका है। पहले तुम्हारे हाथों में शराब का ग्लास, फिर भूलने का नाटक, और अब तुम्हारी बनाई ये भयानक। लगता है एक्सीडेंट के बाद तुम्हारे हाथों ने काम करना बंद कर दिया है। जहां तक मेरी समझ में आता है दोनों हाथ बिल्कुल ठीक हैं, there's no problem। और देखो ना घाव भी कितनी तेजी से भर रहे हैं। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं डॉक्टर, ये हाथ मुझे अपने नहीं लगते, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। कभी कभी तो सब ठीक होता है, लेकिन अचानक लगता है जैसे जैसे कोई दूसरी ताकत इन हाथों को चला रही है। मगर तुम जो कह रहे हो ना वो पॉसिबल नहीं है। मगर ये हो रहा है डॉक्टर, ये हाथ अपने आप ही सिगरेट और शराब तक पहुंच जाते हैं। हालांकि जिंदगी में मैंने इन चीजों को कभी छुआ तक नहीं। अरे भाई ये सिर्फ हाथ हैं, they are a pair of hands। दिमाग जो कहेगा वही ये करेंगे। अब ये तुम्हारे हाथ हैं, सिर्फ तुम्हारे। हो सकते हैं, लेकिन असल में हाथ किसके हैं? आहत के अगले एपिसोड में देखिए कि हथियारी यशवंत के हाथ सुशील से क्या क्या करवाते हैं। जो नहीं होना चाहिए था वो भी हो जाता है। सुशील इंस्पेक्टर